सपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी रोडवेज की दुर्व्यवस्था, जर्जर हालत में खड़ी सैकड़ों बसों और न ही शौचालय की व्यवस्था है एवं गंदगी का अंबार है आदि समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। नेतृत्व कर रहे सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि एक तरफ सरकार रोडवेज बसों की कायाकल्प सुधारने की बड़ी बड़ी बातें करती है, जबकि सोनभद्र डिपो में जर्जर बसों का अंबार है, जिनकी हालत यह है कि किसी में टायर नहीं है, कई बसों की शीशे टूटे हुए हैं और बहुत सी बसें चलने की हालत में नहीं है। रोडवेज पर क्या है मामला ये देखिए, स्थानीय जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये जो जिला सोनभद्र की रोडवेज बस है, लगभग 30 से 35 बसें जर्जर हालात में खड़ी हैं और आए दिन लोगों को परेशानियों का सबब झेलना पड़ रहा है। और एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार स्वच्छता का नारा देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भरपूर गंदगी है और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक शौचालय खुला भी है तो उस पर 10 रुपये का शुल्क ये रोडवेज बसों के किरायेदारों द्वारा लिया जाता है। और ये आप किराया तो पूरा ले रहे हैं रोडवेज का जनता से, लेकिन जनता के ऊपर आप इतना भार लाद दिए हैं। कोई भी बसें अच्छी दुरुस्त नहीं हैं, सभी बसें जर्जर हालात में हैं। किसी का शीशा फूटा हुआ है, किसी का खिड़की फूटा हुआ है, लोगों को चोट लग जाता है और किराया आप उतना ही लेते हैं और लगातार जनता का शोषण किया जा रहा है। ये प्रदेश की भाजपा सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार एक तरफ कह रही है कि रोडवेज का परिचालन हम दुरुस्त कर रहे हैं, सुंदरीकरण बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण है जिला सोनभद्र का रोडवेज बस, आप देख लीजिए हर जगह गंदगी है। महिलाओं के लिए न तो कोई शौचालय की व्यवस्था है, न लैट्रिन की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है और 30 से 35 बसें जर्जर हालात में खड़ी हैं। इसलिए आज हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं कि ये जर्जर बसें दुरुस्त किया जाए और जनता का शोषण न हो, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बृहद आंदोलन प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में करेंगी। आरके सिंह, आप यहाँ पे क्या हैं? बरिशगंज प्रभारी सर, यहाँ पे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बसें जो खराब स्थिति में पड़ी हुई हैं, इसके लिए क्या विचार किया है? इसमें 9 बसें मुख्यालय के आदेशानुसार सिलेंडर हैं और बाकी बसें कुछ पार्ट्स और टायर के अभाव में खड़ी हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों को निर्देश मिला, उसमें मुख्यालय स्तर से टायर की व्यवस्था कर दी गई है। एक आध 2 रोज में टायर अगर मिल जाते हैं तो ये गाड़ियां ऑन रोड हो जाएंगी। ये कब तक यहाँ पे मतलब हो सकता है? जिस तरीके से मुख्यालय से माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1-8 हफ्ते के अंदर ये सामने की जो गाड़ियां हैं ये हट जाएंगी। यहाँ शौचालय की भी दिक्कत हो रही है, साफ सफाई भी नहीं रहता, ये क्या शौचालय के लिए स्वीपर तो रखा गया है, उसमें स्वीपर बढ़ाने की व्यवस्था बना दी गई है। एक स्वीपर रखा गया है, एक स्वीपर और लगाया जाएगा ताकि वो दिन में रहता है लेकिन शाम को चला जाता है, जिससे अगल बगल के जो लोग हैं वो आकर के शाम को गंदगी कर जाते हैं। उसमें ताला नहीं लगा हुआ है, ताला लगाना भी नहीं हम चाहते, लेकिन उसमें जब 2 स्वीपर की व्यवस्था हो जाएगी तो वो ऑलरेडी सही हो जाएगी।